गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी कैंपस स्कूल. इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 6 to 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है बेटा. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करा रही हूँ, 9 आपका होमवर्क है, ठीक है. 10th क्वेश्चन में डिवाइड 75 इन टू पार्ट सच दैट द रेशियो ऑफ द पार्ट्स बी 7:8. 75 को आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसकी रेशियो हमें ये बना है 7:8. हम निकाल लेंगे सम ऑफ रेशियो. सम ऑफ रेशियो 7 + 8, दोनों को प्लस करके 15 आ गया. दो पार्ट में डिवाइड करना है. पहले फर्स्ट पार्ट 7/15 और किसको डिवाइड करना है आपको 75 को, ठीक है. 15 और 75 15 के टेबल पे कट रहे हैं. 15 × 15 = 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 × 5 = 35. ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट बनेगा 8/15 × 75. दोनों को 15 के टेबल से डिवाइड करेंगे. 15 × 15 = 8, 5 = 40. एक आया आपका 30, एक आया आपका 40. दोनों को प्लस, दोनों को सम करके देखो 35 + 40 = 75. यस, ठीक है, आंसर चेक करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 11th क्वेश्चन में भी 1000 को आपको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में. वन पार्ट इज 12/13 ऑफ द अदर. हम एक पार्ट को मानते हैं, लेट वन पार्ट एक्स अदर पार्ट. एक पार्ट दूसरे पार्ट का 12/13 है. अगर एक पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट 12/13 x. ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे. दोनों पार्ट को प्लस करके टोटल कितना है 1000. बाय में है तो LCM लेंगे 13. ये 13 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 13x + 12x = 1000. दोनों को प्लस करेंगे 25x / 13 = 1000. एक्स की वैल्यू निकालेंगे 1000 × 25/13, वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/25. 25 के टेबल से इसको कट किया. 25 × 4 = 100, 0. 13 × 4 = 52, पीछे एक जीरो लगाई 520. एक पार्ट तो आ गया आपका 520, वन पार्ट 520, अदर पार्ट. टोटल आपको डिवाइड करना है 1000 को. 1000 में से 520 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 480. एक 520, एक 480, दोनों को प्लस करके चेक कर सकते हैं, 1000 आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. 12th क्वेश्चन में एक लाइब्रेरी में टोटल बुक्स हैं. टोटल बुक्स हैं 12,500. उसमें से जर्नल बुक्स हैं 2500. जर्नल बुक्स 2500. हमें रेशियो निकालनी है. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स, टोटल बुक्स और जर्नल बुक्स. रेशियो निकालेंगे टोटल बुक्स रेशियो जर्नल बुक्स. टोटल बुक्स कितनी गिवन है 12,500. जर्नल बुक्स कितनी गिवन है 2500. दो जो से दो जो काट दो, 125 ratio 25. बाय में लिख लो. किसके टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों? 25 के टेबल से. 25 को डिवाइड किया 5, डिवाइड किया 1, 5 ratio 1 इज योर आंसर. 13th क्वेश्चन में एक इंजीनियर अर्न्स करता है 5400. ये उसकी अर्निंग है, ठीक है, उसकी इनकम है, यानी अर्न्स करता है. इनकम ऑफ एन इंजीनियर, स्पेंड करता है, खर्च करता है. स्पेंड यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है. इनकम ऑफ एन इंजीनियर, ₹54,000. हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड करता है यानी खर्च करता है. खर्च यानी उसका खर्चा है ₹45,000. तो वो सेविंग कितनी करता है? हिज सेविंग, उसकी सेविंग कितनी है? टोटल इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो उसकी सेविंग कितनी आ गई? 9,000. फर्स्ट पार्ट में आपको रेशियो निकालनी है हिज एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग.
एक्सपेंडिचर कितना है उसका 45,000, सेविंग कितनी है उसकी 9,000, 300 से 300 कट जाएगा, 9 के टेबल पे 9 5 9 1 5:1। सेकेंड पार्ट में हिज इनकम रेशो सेविंग, इनकम कितनी गिवन है 54,000, रेशो सेविंग कितनी है उसकी 9,000, 300 से 300 कट गए, 9 के टेबल पे 9 6 54 9 1 6:1। थर्ड में भी आपको निकालना है इनकम रेशो एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर आगे इनकम है तो आगे इनकम ही रखना है आपको, इनकम रेशो एक्सपेंडिचर। अब पहले देखो इनकम कितनी है उसकी, इनकम थी उसकी 54,000, एक्सपेंडिचर कितना था 45,000, 300 से 300 कट गई, 9 के टेबल पे 9 6 9 5 6:5, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 आपको कंप्लीट करनी है अपने मैथ्स की कॉपी में। ओके, थैंक यू।